Nancy! हाँ मम्मी इधर आ। आर यू मम्मी भी ना चैन से पॉटी भी नहीं करने देती, जल्दी जल्दी करो अब। हाँ मम्मी एक काम कर, ये पर्चा इसमें सारी लिस्ट बना के दे रखी है मैंने, जो जो सामान है वो लेके आएगी तू। यार इतनी गर्मी हो रही है और ये पर्चा खूना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और एक सामान भी मिस हुआ तो तेरी खैर नहीं। पैसे तो दे दो, फ्री में थोड़ी आएगा। दे रही हूँ ये ले, टॉफी मत खाइयो। ठीक है। किलो मसूर की दाल, किलो चने की दाल, लाल मिर्ची, नमक, दाल, चीनी। यार अगर इसने ये लिस्ट देख ली तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये तो सोचेगी मैं कितना डम्ब हूँ, इतनी छोटी सी चीज याद नहीं रहती। यार ये नमूना कहाँ से आ गया, अगर इसने मेरे हाथ में लिस्ट देख ली तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, सोचेगा कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, छोटी सी चीजें याद नहीं रख सकती। छुपा लेती, इसको पता नहीं चलेगा। क्या छुपा रहा पीछे? कुछ भी तो नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैं क्या छुपाऊंगा? दिखा क्या छुपा रहा है, जल्दी दिखा। तू भी तो कुछ छुपा रही है, पहले तू दिखा फिर दिखाऊंगा। मैं क्या छुपा रही हूँ, देख खाली हाथ है मेरे तो, तू दिखा। दिखा क्या, मैं नहीं छुपा रहा। दिखा दिखा जल्दी दिखा। मम्मी ने सामान की लिस्ट बना के दी थी, वो मैं भूल जाता हूँ मार्ट पे जाता जाता, सामान लेके आना है। इतना बड़ा हो गया, 10th क्लास में आ गया, तेरे को सामान लेने के लिए भी लिस्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब भूल जाता है तू, कितना बड़ा डम्ब है, भुलक कर गई। तू भी तो कुछ छुपा रही है, तू दिखा कहाँ है। कहाँ छुपा रही, बोला ना खाली आते मेरे तो। जेब में क्या, जल्दी से निकाल, देख इस जेब में। कुछ भी नहीं है इस जेब में, होगा। अरे लिस्ट है ना, मम्मी ने दी थी सामान लाने के लिए, इतना सारा सामान लिख देती है मम्मी, याद ही नहीं रहता, कुछ भी कंफ्यूज हो गया कुछ भी उठा के ले आती है, इसलिए लिस्ट पर आगे दिए मम्मी ने। हो गई टाइट है फिर, वैसे तो क्लास में बड़ी टॉपर बनती फिरती है, अब कहाँ गई तेरी टॉपर गिरी। हाँ तो टॉपर तो हूँ ना मैं, तेरे को जीरो नंबर आते, जीरो, बदतमीज कहीं का, ज्यादा ना हंस मत मेरे ऊपर। ओए तेरे को पता है लास्ट टाइम मेरे जीरो नंबर नहीं है, एक नंबर आया था। ज्यादा ना बदतमीजी मत कर मेरे साथ। ज्यादा मत बोल, तेरे बाल पकड़ के ना यहीं पे मारूंगी। ज्यादा मत बोल, तेरे बाल फाड़ दूंगा। मेरे बाल पकड़ के मारू, तेरे भी तो बाल है, पकड़ू तेरे बाल है। ज्यादा मत बोल ठीक है, मम्मी ने मना करा है किसी का हाथ मत उठाइए बात, वरना तो ये 2.5 किलो का हाथ ना अभी तुझ पे पड़ता ना तो टूट जाता है, समझा। 2.5 किलो की तो सारी नहीं होगी, ज्यादा चौड़ा हो रहा है ना। ठीक है फिर हो जाए आज कॉम्पिटिशन, जो बिना लिस्ट के सही सही सारा सामान लेके आएगा ना अपनी मम्मी ने जो जो बताया वो जीत जाएगा 500 रूपए। 500 नहीं ज्यादा हो जाएंगे, 100 रूपए। ठीक है 200। चल ठीक है, लगी शर्त? हाँ लगी, याद कर। हो गया टाइम, अब ये लिस्ट फाड़ दे और फिर देखते हैं कौन जीतता है 200 रूपए। भैया आप ना मुझे एक, भैया 1 किलो। अरे यार क्या क्या लेने के लिए भेजा था मम्मी ने, लिस्ट भी फाड़ दी। मटर थे, प्याज थे, क्या था, दाल भी लेनी थी, पता नहीं कौन सी थी, मसूर, मूंग, समझ ही नहीं आता। मेरे से पता चल गया कि मैं भूल गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। काम करती हूँ कुछ भी उठा लेती हूँ, इसको क्या पता लग रहा है। 200 रुपए का सवाल है, एक काम करता हूँ कुछ भी ले लेता हूँ, कौन सा इसको पता लग रहा है। भैया कोई बात नहीं मैं खुद ले लेती हूँ। भैया मैं भी खुद ले लेता हूँ। चलूँ ये ले लेती हूँ, घर में काम आएगी। कुछ ले लेती हूँ, लाल दाल, मम्मी तो सारी दाल रेड कलर की बनाती है। ये ले लेता हूँ, जीरा हर सब्जी में डलता है ये तो, प्लीज ले लेता हूँ, ये तो मैं खा लूंगा, मेरे काम आएंगे। ये तो बेफालतू का सामान ले रही हूँ मैं, कहीं इसकी जरूरत भी ना पड़े घर में, मम्मी मारेगी कहेगी क्या क्या उठा लाई और पैसे भी वेस्ट कराई। एक काम करती हूँ वापिस घर ही चली जाती हूँ, लिस्ट ले आती हूँ मम्मी से दोबारा, मैं रख देती हूँ सारा। यार अगर मम्मी को पता लग गया मैं कुछ भी लेके आया हूँ, मम्मी मुझे बहुत मारेगी,
एक तो मम्मी के पैसे वेस्ट होंगे, ऊपर से मेरी धुलाई होगी। नहीं, रख देता हूँ, दोबारा से मम्मी से लिस्ट बनवा लूंगा। क्या हो गया, भूल गया क्या तू? क्या क्या सामान लेना था जो वापस रख रहे सारा सामान? मैं तो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तू रख रही है, मुझे पता है तू भी भूल गई सामान। हाँ यार, मैं भूल गई लिस्ट का सारा सामान। एक तो इतने सारे आइटम लिख दिए थे, पता नहीं कितने तरीके की दालें लिख दी थी, मसूर, मलका, पता नहीं क्या क्या। अब ना एक काम करते हैं, चुपचाप घर जाके दोबारा लिस्ट बनवा लेते हैं, शर्त को ड्रॉ करते हैं। ये मम्मी अभी ना, ये मम्मी और इनके रूल्स, सारी चीजें चाहिए इनको, यूं नहीं खुद जाके ले आए। ठीक है फिर, शर्त ड्रॉ हो गई, चल दोबारा लिस्ट बना के आते। जा तू लिया लिस्ट, फिर मैं भी लेके आती हूँ। ठीक है, ला रहा हूँ। भगवान, इसकी मम्मी तो बहुत बुरी तरह से मार रही है इसको। अगला नंबर मेरा है, कहीं मम्मी ने सच में मेरे को भी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा। एक आंख काली कर दी तेरी मम्मी ने, तेरे घुसा मारा ना। जब तेरी बारी है, तू भी पिट गया। मैं थोड़ी पिटूंगी, मेरी मम्मी नहीं मारती वारती। क्या हो गया, दोबारा लिस्ट बना के दे देगी मेरी मम्मी तो? देखियो पक्का मारेगी। जा, मार ही नहीं सकती मेरी मम्मी मेरे को, देख लियो। अच्छा कह दे जब मेरी मम्मी मार ही नहीं सकती। मम्मी मम्मी, क्या हुआ क्या हुआ? वो हमने लिस्ट बना के दी थी ना, तो वो कागज मेरे से ना उड़ गया। लिस्ट उड़ गई? अच्छा, लिस्ट खो गई। तेरे को बोल के भेजा था ना मैंने कि लिस्ट नहीं खोनी चाहिए। कैसे खोई तूने बता मेरे को? कुछ भी काम देना, तेरे को कुछ वो अकल नहीं कि ढंग से करूँ काम। फिर भी खेल कूद में। अब रोना स्टार्ट कर दे। चुप दोबारा दे दो लिस्ट। लाती हो भी, इधर उधर चक्कर काटने बस, काम दे दो, करना है नहीं। मार्केट जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बनाओ अब लिस्ट, ना पापा को ध्यान है ना बेटी को ध्यान है। अब लिस्ट ले, और ये खो गई तो मैं तुझे खो दूंगी। चल चल संभाल लेना। चल छोड़ दो मम्मी। ना ले कहीं का, नाक में दम करके रख रखा है तने ते। अनीता, आर यू? क्या हुआ सविता, इतनी क्यों उबल रही है? मैनू कहूं थी इस नालायक ने ना मेरे कति जीना आराम करके धर रखा है, मैं एक घंटे थी बाहर जाऊं तो तू इस ना अपने धोरे रख ले। नमस्ते आंटी जी। परेशान करे तो मैंने बता दिए, परेशान नहीं करेगा बता दिए। ठीक है, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, तू आराम से जा। आ जा बैठ जाओ दोनों आराम से, टीवी देख लो और खेल लो, लड़ना मत। हो गए शुरू, बोला ना नहीं लड़ना। आंटी जी हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। बैठ जाओ। टीवी देख लो। मेरे को दे। मेरा घर है ये समझ गया, मेरा रिमोट है, मेरा टीवी है, मैं देखूंगी। बुलाऊं आंटी को? आंटी। भूख लग रही है, क्या खाऊं? दूध पी लेती हूँ। मदरा। शिट, वो दूध गिर गया। क्या गिरा दिया? मम्मी आ रही है।
ना दूध गिर गया, ये सो रहा है ना तो इसने हाथ मार दिया सोते सोते। देखो कितना गंदा कर दिया। उठ। क्या हुआ आंटी? कि तूने गिराया? आंटी जी मैंने तो गिराया ही नहीं, मैंने कब गिराया, मैं तो सो रहा था। झूठ पे झूठ बोले जा रहे? नहीं आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया, आंटी जी मुझसे गलती होगी, सॉरी आंटी जी। चल जा तू बाहर जाके खेल ले, जब तेरी मम्मी आने वाली होगी तब आ जाइयो वापिस। अरे आंटी जी प्लीज मैं इसे साफ कर दूंगा, इसे क्या, मैं आपका पूरा घर साफ कर दूंगा, प्लीज आंटी जी मुझे सोने दो, मम्मी भी नहीं सोने देती दोपहर में। चल ठीक है आंटी। मम्मी साफ करना पड़ेगा आपको, कैसे कैसे बच्चे आजकल बताओ ऐसे गंदा करते रहते दूसरों के घर में आके। गया अब तो मैं टीवी देखूंगी। बच गई मैं तो, वरना तो आज मेरी मम्मी खूब दुनाई करती। मदरा पानी गिर के सारा गीला हो गया, मम्मी आ जाएगी तो। अरे मम्मी कहाँ जा रहे हो? हट, पौधों को पानी देना है। अरे पौधों को पानी तो मैंने अभी दिया है, एक घंटा पहले सूख रहे थे ना तो मैंने सोचा कि मैं पानी डाल देती हूँ। अच्छा आज तो इतनी कमेरी कैसे हो गई? अरे मम्मी आओ ना आपको चाय पिलाती हूँ मैं, आ जाओ। नहीं तो चाय मरगी। अनीता इतना पानी गिरा रखा है, साफ तो कर रही थी, फूट गए मेरे तो हाथ पैर गोडे सब के मैं फूट लिए। अरे जब यहाँ पे पानी गिर रहा था तो पोछा लगा देती। अड़े पानी जरूरी तेरे ही काम होंगे, पूरा दिन शैतानी करती है और उसको सुधारती भी नहीं है। गिर गई ना तेरी आंटी, फूट लिए मेरे तक। पूरा दिन तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, काम बढ़ाती रहती है। चिन्नी मांगन आई थी, दवाई लेके जानी पड़ेगी तेरे घर ते। हाँ मर गई रे, रुक तो। झूठ बोलता रहता है अपनी मम्मी का, एक नंबर का छोरा है मेरा, मेरे बोलने तो पहले समझ जाया उसकी माने के चाहिए, तुरंत भाज के जाओगा, तुरंत लेके आओगा वो चीज जो मैंने चाहिए हुआ है, कति बोलन का कोई मौका नहीं देता। सुबह उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा, उसके आने के बाद मेरी चाय बना के दोगा, मेरे पैर दबाओगा, बहुत बढ़िया छोरा है मेरा तो कति सच। और रही पढ़ाई की बात, पढ़ाई में भी कति एक नंबर का है, पूरी क्लास में टॉप करा है, टॉप पूरे स्कूल में, कति सीना चौड़ा कर दे है, टॉप जीरो नंबर लेके आता है, अपनी मम्मी को पागल बनाता रहता है, झूठा मोटा अनपढ़ कहीं का। मैंने तो स्वर्ग मिल गया इसका बेटा पाके ने। और तू बता नैन्सी किसी है? मेरी नैन्सी तो, अरे छोड़ तू रहने मेरी बात सुन, मेरा छोरा इतना बढ़िया, कति छोरी की कमी महसूस नहीं होने देता कति। और कुछ लेगी तू? मम्मी हमसे मिलने आई है या मेरी मम्मी को भड़काने आई है यहाँ पे? अरे ना जीजी मैंने जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मेरा छोरा मेरा इंतजार करता होगा, इधर जाऊंगी ना तो खाना वाना भी बना के धर रखा होगा उसने, मेरे तो कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं। आंटी बाहर वेट कर रहा है आपका बेटा। हाँ मेरा छोरा इंतजार करता होगा। अच्छा अनिता मैं तो चाली, चल अपना ध्यान रखिए। बाय सविता। देखा कितनी तारीफ कर रही थी वो अपने बेटे की, तू है
अपने माँ बाप को बिल्कुल तारीफ करने का मौका नहीं देती। पता नहीं कैसी औलाद दी है, सबके बच्चे इतने पढ़ाई में अच्छे, किसी कुछ में अच्छे, कोई कुछ में अच्छे, पता नहीं क्या है मेरे। अरे मम्मी झूठ बोल रही थी उसकी मम्मी, मेरे को पता है कि वो कैसा है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं है, वो 0 नंबर लाता है और पिछले साल तो बस 1 नंबर लेके आएगा, उसी पे चौड़ा होता हुआ घूमता रहता है और क्या, कुछ काम वाम भी नहीं करता। और योगा, योगा कहाँ से करेगा, वो मोटा आपने देखा नहीं क्या उसका पेट? पेट तो है उसका। क्या मम्मी, सारी मम्मियां अपने बच्चों की इतनी तारीफ करती रहती है और आप होके बस मेरे बारे में उल्टा सीधा सुनते रहते हो। उसको देखना सविता आंटी को इतनी झूठी झूठी तारीफ करके चलेगी, मेरे को पता है उनका बेटा ऐसा है भी नहीं। और सुनीता आंटी देखिए आपने कितनी तारीफ करती है अपनी लड़की की वो, और एक आप हो मेरी तारीफ ही नहीं करते हो, उससे अच्छा होता मेरी सुनीता आंटी जैसी मम्मी होती। तारीफ करवानी है ना तुझे अपनी, करवानी है ना, चल मेरे साथ इस सविता को तो मैं बताऊंगी झूठी तारीफ कैसे करते हैं। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो माँ बेटी ने सोचा आज तेरे घर चलते हैं। और बता। चल ये तो बढ़िया काम करा, दोनों माँ बेटी आड़े आ गई। और रौनक कैसा है? रौनक तो एकदम बढ़िया है। और बेटा नैन्सी तू कैसी है? हमारी बेटी है ना एक नंबर की, हीरा है हीरा। सुबह उठती है, चाय बनाती है, योगा करती है, मॉर्निंग टी देती है मुझे लाके, फिर अपना खाना बनाती है, वो भी खिलाती है मुझे, और बैकपैक करती है, स्कूल जाती है, आती है, सब रिपीट, फिर उसके बाद ट्यूशन चली जाती है, पढ़ाई कर लेती है। हीरा एक नंबर की हीरा, जो काम बोलूँ ना उसको उल्टा ही करती है ये। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, इसको बोलूँ ना भाई पंख लगा के उड़ जा, पापा की परी उड़ भी जाती है ये। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। और तो सुनो, मैं इसको बोलूँ ना झाड़ू लगाया पोछा लगा जाती है बेचारी, इतनी प्यारी है लड़की हमारी, जो काम की इसको मैं मना कर दूँ ना वही करके आती है ये। मम्मी तारीफ करने को बोला था तारीफ, और करूँ ना। और आपको मैं क्या बताऊँ, एक दिन इसके दादाजी आए, गई भाग के दादाजी और मुक्के मार के दोनों दांत तोड़ दिए उनके, दो ही तो बचे थे। और इतनी अच्छी है दवाई भी लेके आई अगली, लाओ दादाजी मैं लगा दूँ। बहुत बढ़िया बेटी है थारी। अरे तू और तो सुन, दादी के साथ क्या हुआ? वो मैं क्या कह रही थी ना कि घर चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं, मेरे को अपना होमवर्क भी करना है और फिर घर जाके खाना भी तो बनाना है रात का, और आपके पैर भी दबाने सोते वक्त। देख कितनी सियानी बेटी है मेरी, अभी भी अपनी तारीफ नहीं करने दे रही, इसको होमवर्क की टेंशन है बस। दादी वाली बात ना मैं तेरे को 2 दिन बाद कंटिन्यू करूंगी। हाँ नहीं बाद में बता दियो मेरे तो। इतना ठीक है, अपना ध्यान रख तू। नमस्ते आंटी। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है जी। इस रौनक ने तो मैं इब्बे बताऊं, इसकी छोरी इतनी बढ़िया है, सारे काम करे, और एक मेरा यो नालायक छोरा कत्ती कुछ करके राजी नहीं, जीना आराम करके दर्राका इसने, इब्बे बताऊं इसे। हाँ बाबू। अरे कुछ ना, वो नैन्सी और उसकी मम्मी आई हुई है, नैन्सी की ना इतनी तारीफ कर दी, मेरी मम्मी को भड़काने लग रही है नैन्सी और उसकी मम्मी। चलो कोई नहीं बाबू, पिट लूंगा थोड़ा सा। वैसे बाबू आप बताओ क्या कर रहे हो? बाबू कल डेट पे चलेंगे बाबू। निकम्मे निठल्ला वाला, तेरे कति शर्म नहीं ना है, आड़े बैठ के बाबू सोना करे तू, और उड़े में तेरी झूठी झूठी तारीफ करती आ रही। अनीता आई थी अपनी छोरी ने लेके, उसकी इतनी तारीफ करके गई, और तू एक काम करके दे मैं है, एक काम करे तू। अरे मम्मी वो आपको भड़काने आई और आप भड़क गई। अच्छा भड़क गई मैं, भड़क गई है वो अनीता, देख 10 काम गिनवा के गई अपनी छोरी के, इतने बढ़िया बढ़िया काम करे उसकी छोरी, और तू एक काम करके राजी नहीं होता। मम्मी दूध नहीं लेके आता मैं सुबह सुबह जाके? अच्छा दूध लेके आओ, उठता तो है नहीं, उठ के तो नहीं देता, 10 बजे बोलू जब जाके तू एक दूध ला के देवे, उसमें भी रोए जाए, इससे बढ़िया था मेरे कोई चोरी हो जाती, कम से कम मेरे सारे काम तो कर देती, मैंने तेरी झूठी तारीफ तो ना करनी पड़ती, बेरा ना क्यों पैदा हो गया मेरा, तो कर्म फोड़ दिया तेने, आन दे तेरे बाप ने, तेरी सारी करतूत बताऊंगी, करता रहिए फिर अपनी बाबू सोना। मम्मी ने तो ना दिमाग खराब कर दिया है, बात बात पे पीट देती है, ऊपर से इतने सारे रूल्स बना रखे, क्या क्या माने। हाँ यार तू एकदम सही बोल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा इन मम्मियों का। ये कह रहा है क्या करे। हाँ मेरे पास एक प्लान है, सुन। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते आंटी, कौन रौनक की मम्मी बोल रहे हो?
क्या नैन्सी की मम्मी बात कर रहे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? मेरी मम्मी आलसी है, पूरा दिन पड़ी रहती है। मेरी मम्मी गंदी है। मेरी मम्मी घर का कोई काम नहीं करती, घर पूरा गंदा रहता है। पुरानी साड़ियां पहनती है। क्या मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई है? आंटी देखो, मैं और सब बात सह सकता हूँ, ये बात नहीं सह सकता। घर में सफाई नहीं रखती, झाड़ू भी नहीं लगाती ठीक से, दीवारों पे जाले लगे हुए। पापा को टाइम पे खाना नहीं देती, 12-1 बजे तक सोती रहती है। चाय में पानी ज्यादा मिला के पिलाती है आपको। काली लिपस्टिक लगाती है, चुड़ैल लगती है। आपके घर में कूड़ा फेंकती है हमारे घर से। अच्छा, पानी भी फेंकती रहती है, पोचे वाला। क्या चुड़ैलों वाला मेकअप करती है? मंडी में जाके 10 रुपए के पीछे लड़ाई करती है। अरे ला, फोन दे मुझे, फोन दे। हेलो, क्या बोले जा रही है तू? है चुड़ैल कहीं की तू होगी चुड़ैल, मुझे चुड़ैल बोल रही है। मैं काली लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं चुड़ैल लगती हूँ? क्या भड़का रही है तू मेरे बेटे को? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं अपने पति की सेवा नहीं करती, तू तो जैसे बहुत करती है ना। तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आई बात समझ में? सविता, क्या बोले जा रही तू मेरे बेटी को? मैं घर साफ नहीं रखती, तेरे को पानी में चाय पिलाती हूं, हैं? क्या बोल रही तू? कल वो ही तेरे तो सीन निकले, तेरे में कीड़े पड़े, आके देख तू मेरे घर को कितना साफ है। अच्छा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, मेरे मुंह में क्यों? तेरे सर में सींग निकलेंगे। करमजली, तू होगी चुड़ैल, मेरे को चुड़ैल बोल रही है? अच्छा, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं, तेरी तरह नहीं, नकली। और क्या बोल रही थी तू मुझे? बुड्ढी, ये तेरे जितने भी दांत है ना, सारे के सारे तोड़ के तेरे हाथ में धर दूंगी, तू हो जाएगी बुढ़िया, आई बात समझ में? मेरे से है ना फालतू मत बोल दियो। अपने आप को देखा तू? दूसरी गली में आशिकी करती फिरती है, हैं? और तेरा जो चक्कर चल रहा है उसका क्या है? शर्मा जी के साथ जो नैन मटका करती है, बताऊं तेरे पति को आके सारी बातें? इन हाथों में अभी भी जान है, तेरा गला ना दबा दिया तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। हाँ, होगी तेरे हाथों में जान, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जल्दी आ। हाँ, आ रही हूँ अभी तेरे घर पे, तेरे को तो मैं बताती हूँ, हरामजादी कहीं की साली। चल मेरे साथ। मम्मी मैं भी चल रहा हूँ। मम्मी रिलैक्स। क्या बोल रही थी? मैं काली लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं चुड़ैल नजर आती हूँ। तू क्या बोल रही थी कि मैं तेरे को चाय गलत पिलाती हूँ, मेरे घर में जाले लगे? हाँ तो वो तो लगे ही है तेरे घर में जाले, ढंग से आँख खोल के देख, इतने सारे जाले मिलेंगे तेरे घर में। अच्छा, चुड़ैल कहीं की हरामजादी, तूने मेरे बारे में चुड़ैल कैसे बोला? तू मुझे चुड़ैल कैसे कह रही है? क्योंकि तू चुड़ैल है। छोड़ूंगी नहीं। मम्मी को हरा रही है मेरी मम्मी। देख तेरी मम्मी पिट रही है। 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 मेरी मम्मी नहीं पिट सकती। देख तेरी मम्मी कैसे पिट रही है। देख चुड़ैल कहेंगी मेरी मम्मी नहीं पिट रही। तेरी मम्मी पिट रही। तू इतनी बड़ी हो गई, इतनी चलाकी दिखाएगी कि दो बड़े लोगों को आपस में पिटवाए, वो भी हाथापाई? मुझे सब पता चल गया तुम दोनों की प्लानिंग का। तो मम्मी हम क्या करें फिर? आप लोगों की वजह से ही करा हमने, बात बात पे बस हमें पीटते रहते हो, इतने सारे रूल्स बना दिए, ये नहीं करना वो नहीं करना, पानी भी गिर जाए तो भी आफत, ये नहीं करो वो नहीं करो, ये साफ करो वो साफ करो, पढ़ाई करते रहो, हमने परेशान हो गए, बस इसलिए प्लान बनाया था। रूल्स तुम्हारी भलाई के लिए हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा इसमें। क्या रूल्स मम्मी? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, 10th क्लास में आ गई हूँ, उसके बाद भी आप मुझे अभी भी पीटते रहते हो, ऐसे थप्पड़ मार देते हो, पूरे गाल पर निशान पड़ जाते हैं, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मेरे ऊपर, कभी भी किसी भी के भी सामने डांटने लग जाते हो। अब तू अपनी माँ से जबान लड़ाएगी? ठीक है, आपको लग रहा है जबान लड़ा रही मैं? मेरे को खाना ही नहीं खाना है यहाँ का, आपके हाथ का नहीं खाना ना? नहीं खाना, बनाऊंगी भी नहीं आज से, भूखी रह। तो ठीक है, रह लूंगी भूखी, उसमें क्या है, हमेशा बस अपनी चलाते रहते, बच्चे तो कुछ होते ही नहीं है जैसे, बड़े हैं तो मतलब कुछ भी करते रहेंगे। हाँ, नहीं तो इतनी बड़ी हो गई मैं, 10th क्लास में आ गई, फिर भी मारते रहेंगे मेरे को,
जल्दी नहीं आ रही, भूख लग रही है, कुछ बना के खा लेती हूँ, ऐसे तो नींद नहीं आएगी। कुछ भी नहीं रखा गया खाने का। भी नहीं बच्चा, सच में मम्मी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। फ्रिज में देख लेते हैं एक बार। कुछ भी नहीं है, भूख लग रही है, अब क्या खाऊं? वाह, पुलाव मेरी फेवरेट। मुझे तो पता ही था भूख तो लगनी है, पहले ही बना के रख दिया था तेरा फेवरेट पुलाव। जोश जोश में बोल देते हो कि भूख नहीं है, नहीं खाऊंगी मैं कभी। मुझे पता था आप मेरे को भूखा तो नहीं सोने दोगे। आजा। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, आराम से खा। बहुत भूख लग रही है। ले। आपने खाया? मैं कैसे खा सकती हूँ, तूने नहीं खाया तो।